बच्चों गुड मॉर्निंग। ये वीडियो क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए क्लास के लिए है। बच्चों हिंदी विषय में व्याकरण के अंतर्गत अलंकार आपका है। अलंकार आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। समझ लीजिए, पीडीएफ हमने आप लोगों के भेज दिया है। अलंकार, अलंकार माने होता आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार। शब्दों के द्वारा जहाँ अलंकार की पहचान होती है वह शब्द अलंकार कहते हैं, और अर्थों के द्वारा जहाँ अलंकार की पहचान होती है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अब ये दो भेद हो गए। शब्द अलंकार के अंतर्गत आपका अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, और अर्था के अंतर्गत आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह। अब आपका पहला है अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक ही समान वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आपका यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा। जहाँ पर एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो। जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पर मंदिर के दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं। एक मंदिर का अर्थ है महल और दूसरे मंदिर का अर्थ है गुफा। अब अगला है श्लेष अलंकार। जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है।